हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। तुम आ चुके हैं नई वीडियो लेके, और गाइज आ चुके हैं हम नोवो रिपनोए। तो बहुत दिन से भाई जोर जोर जो जा रहे हैं, तो अब नोवो आ चुके हैं। और गाइज फिर से सोलो वर्सेस कोडा गेम प्ले है, और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा गेम प्ले है, ये भी मज़ा आएगा तुम्हें देख के। और थोड़ा ब्रिज कैंप भी दिखाऊंगा तुम्हें कि भाई ऐसा हो जाता है तो कैसे करना है, और भाई क्यों फ़ायदेमंद है अगर आप ब्रिज कैंप में जा रहे हो। तो बस देखो वीडियो, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। और यहाँ पर थोड़ा लूट लेते हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है भाई कंटेनर पर लूटना थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का सा। लेकिन आज किस्मत अच्छी थी, सही लूट मिल गई थी। तो मेरे को बैरिल और एसकेएस तो मिल ही चुकी है, तो अब मैं थोड़ा सा मतलब मार सकता हूँ बंदों को। वेस्ट वगैरह भी है मेरे पे अच्छी अच्छी तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ आराम से। और बाद में थोड़ा सा टप 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 इसलिए करता हूँ, पूरा स्प्रे नहीं देता क्योंकि पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा था बस। तो अब इस बंदे को हम पूरा मार देते हैं, तो इसके फ्रेंड्स को ज़रूर वो होगी कि भाई अब किसने मार दिया यार, मैं बदला लेके आऊँगा। तो इसका एक बंदा यहाँ पे आने लगता है भाग के, और इतना वो पिंक वाला भैया इधर आ जाता है, और वो मेरे को हल्की सीट देता है। अच्छा हुआ तो मैं उसे देख लेता और मैं कूद जाता हूँ नीचे, नहीं तो भैया वो मेरे को पेल देता उधर ही। तो वो बंदा आता तो है ऊपर चढ़ के, लेकिन वो वापस चला जाता क्योंकि उसे अपने दोस्त को रिवाइव भी करना था, क्योंकि वो भी यार ब्लीड आउट हो रहा होगा। तो मैं जाकर यहाँ टीपी पे लेने लगता हूँ, और ये इतना ध्यान नहीं देता, और मैं इसको मार देता हूँ आराम से। तो इन दोनों को भी हम मार देते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत देते हैं। गाइस ये अगर तुम सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो, या फिर क्लच करना है, तुम्हारी ऐसी सिचुएशन है कि आगे वाले ज़्यादा हैं तुम कम हो, तो ट्राई करो कि जब जिस टाइम वो कमज़ोर हो ना, उस टाइम पूरा अपना एफर्ट लगा दो। मतलब जैसे एक बंदा नोक हो गया तो भाई घुस जाओ कुछ भी करके, ठीक है, रिस्क लो। ठीक है, रिस्क नहीं लोगे तो भाई मरोगे। तो चलो भाई इसको भी पेलते हैं, बंदा यहाँ पर सपेरा बना हुआ है। तो ये अकेला बच चुका था इसके टीममेट का, तो मतलब टीम का, तो इसके पास कोई और चारा नहीं था। तो मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा भाई, बन जा सांप तू, कुछ भी बन, जहरीले बहुत बुरा लग रहा है मुझे। तो अब थोड़ा और लूटेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब मैं सब कुछ ख़त्म कर चुका हूँ, सारे स्क्वाड आपस में भी लड़े हैं थोड़े से, और फिर मैंने ही मारे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक बंदा और आ गया पता नहीं कहाँ से, या तो ये घर में उतरा था सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेल रहा है अभी। और क्योंकि इसकी टीम मेट पता नहीं कैसे मर गई यार, मेरे को तो नहीं लगती इसकी टीम कैसे मर गई। तो ये सोलो वर्सेस स्क्वाड ही था जहाँ तक भी था, और भैया हमने इसे थोड़ी सी ट्रिक लगा के मार दिया कि थोड़े डीपी चलाता गया, उसने सोचा बंद कर दिया, रिलोड मार रहा होगा, जैसे जाकर एकदम फेल दिया। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस चीज़ में भी। तो अब आ चुका हूँ गाइज मैं ब्रिज कैंप, ठीक है, मतलब ब्रिज कैंप हो रखा है, ब्रिज पर आ चुका हूँ बाइक लेके। तो बाइक और बग्गी से हो जाती है चीज़ इजीली, गाड़ी से थोड़ी मुश्किल है, शायद डैशेस हो जाते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं की। तो अब देखो क्या होगा, ठीक है भाई, एक भी बंदा है वो, तो इसलिए मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी, नहीं तो हल्के से मैं डैमेज हो ही जाता। तो M16 थी उस बंदे पे, वो नमूना कैंप पर था एक नंबर का, कि यहीं पे थोड़े बोटे घर लूटे और आके बैठ कर के जो भी मिलिट्री और नोवो आएंगे उन्हें पेल के मस्त लूट चुराऊंगा। तो ये बहुत सारे बंदे करते हैं, मैं भी करता था पहले, अब नहीं करता क्योंकि फालतू में फिर क्या है कि वही किल मिलते हैं और इतने सब मर जाते हैं, फिर ज़्यादा किल मिल नहीं पाते। तो अब देखो मैं कैसे इसे मारता हूँ, तो तुम भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो इधर से जाके। तो यहाँ पर मैं नीचे पानी में से आया हूँ, तो वो सोचेगा बाइक उधर कूदाइए, तो वो उधर ध्यान देगा ज़्यादा, इधर नहीं देगा। और फुटस्टेप भी उसे इतने नहीं आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा देख देख कर आ रहा हूँ, इतनी तेज़ आवाज़ नहीं दे रहा मैं, हल्का हल्का आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पीछे देख भी रहा हूँ बार बार, और अब मैं थोड़ा सा उससे दूर हुआ तो मैं पूरी तेज़ भाग लिया, क्योंकि यहाँ पे शायद उसे फुटस्टेप्स आएंगे, काफ़ी दूरी बन चुके वाले हम दोनों के बीच में। तो अब मैं थोड़ी जगह ढूंढता हूँ कि भाई ऊपर जाकर कैसे मारूँ उसे। तो ऊपर जाकर बस मुझे को रास्ता मिल जाता है, और वो बंदा मेरे को ही खोज रहा था, तो उसको पता चल चुका था मैं इधर से ही आऊँगा, क्योंकि बंदा भी थोड़ा दिमाग लगाएगा, उन्हें पता है इधर से आएगा, उधर से कैसे इतना घूम के जाएगा। तो उसे दिख जाता है, मैं तो नहीं दिखता, मेरे को वो दिख जाता है, और मैं उसको मार देता हूँ और इजीली। और इसका एक बंदा और है, और अब तुम देखना क्या होगा, ठीक है। तो इसका एक बंदा ऐसी जगह है कि भाई मैं खुद हंसा हूँ इस बार, मतलब करके इसको मार के, तो तुम खुद देखना कहाँ पे, ठीक है, या तो AFK है शायद ये, या फिर ऐसे छुपा हुआ है। वैसे मैंने मुझे लगा ऐसा मूवमेंट हुई हो थोड़ी सी पैरों में, तुम बताना। तो ये लो भैया यहाँ पे छुप के रखे थे, इनका पैर दिख गया मेरे को, तो मैं मार देता हूँ इसे इजीली। तो हो भी सकता है गाइस ये AFK हो ऑफलाइन हो मतलब, और या फिर मैंने हल्की सी मूवमेंट देखी। अब तुम बताओ नीचे कमेंट करके कि ये बंदा मतलब AFK था या नहीं, ठीक है। तो चलो भाई आगे चलते हैं बंदे ढूंढने। तो मैं यहाँ पे ऐसे बंदे ढूंढ रहा था जो पॉपुलर से थोड़े हाउस आस पास मिल टके, तो मेरे को कोई नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे टावर पर कुछ बंदे चढ़े हुए थे, जैसे मैं मतलब निकलता हूँ मेरी बग्गे का एक और टायर फोड़ देते हैं, एक तो पहले से फूटा पड़ा था। तो अब मैं सोचता हूँ कि भाई कैसे मारूँ इन्हें, तो थोड़ी फ्री फायर देने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे मतलब एक दो गोली बैठ जाए तो पता चल जाए कहाँ है। लेकिन वो बंदे अच्छा कवर लेके बैठे थे और मेरे को नहीं दिखते, तो मैं अब सोचता हूँ थोड़ा क्लोज कर दूँ एक नेड करके, लेकिन वहाँ तक यार जाता नहीं है नेड, ऑब्वियसली बात है यार बहुत दूर है। तो लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, मुझे पता था नहीं जाएगा, लेकिन मतलब कर लो यार, ट्राई कर लो, क्या पता मर जाता है यार, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं फेंक तो देता हूँ लेकिन नहीं जाता उधर तक। तो फिर मैं सोचता हूँ यार क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि एक से ज़्यादा बंदे थे ये तो मेरे को पता चल गया था, क्योंकि सही मतलब फुटस्टेप्स आ रहे थे हल्के हल्के से कि दो बंदे हैं वहाँ पे।
तो मैं हल्का हल्का कवर कवर लेके जा रहा हूँ गाइस। अगर मैं खुले में जाता तो तुम्हें पता क्या हो जाता फिर, क्योंकि अगर मान लो तुम ही होते हो और मैं तुम्हारे तुम्हारे सामने से खुले में भाग रहा हूँ तो तुम मारोगे नहीं मेरे को, तो इसलिए थोड़ा कवर कवर लेके चलो, पेड़ टू पेड़ पत्थर टू पत्थर, ठीक है। मतलब खुले में रहना अवॉइड, मतलब ऐसा नहीं है खुले में मत रहो, मैं भी खुले में कभी फर्स्ट एड लगाता हूँ कभी कुछ करता हूँ, लेकिन हाँ ट्राई करो अगर बंदे सामने और तुम्हें पता है तो भाई ट्राई करो थोड़ा कवर में रहने के लिए, और ज़रूरत पड़े तो बिना कवर के भागो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बंदा यहाँ पे भैया पूरा एम लेकर बैठा था, और यहाँ पे अब तुम कहोगे टी पी पी क्यों नहीं ली, इसने तो यार देखो कोई जगह ही नहीं है, कहाँ लेकर बेचारा टी पी पी, तो इसके दोस्त को देखो अब मैं कैसे मारूँ क्रिश बन के। तो गाइस ये क्या सीन था सच में, मेरे को तो मज़ा आया फुल इसमें, और तुम बताओ कैसा लगा तुम्हें, और एक बार रिवाइंड कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, कर लो रिवाइंड बार बार देख लो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ यार मेरे को बड़ा तगड़ा लगा ये सीन, तुम कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो मैं फिर से ब्रिज पर आ जाता हूँ क्योंकि जोन इधर ही बन चुकी है और मतलब घपला हो चुका है, पहले मुझे लगा उधर बनेगी इसलिए मैं उधर गया उससे ब्रिज कैंप को तोड़ के, और अब मैं इधर आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा गिफ्ट मिल जाता है, और गिफ्ट क्या यार मैं हल्का सा लेट हो जाता हूँ, मतलब यहाँ पर मेरे को शुरू से फायर करनी चाहिए थी, और मुझे DP नहीं M7 यूज़ करनी चाहिए थी, नहीं तो सच में मैं दो लुड़का देता, गारंटी है इस बात की, अपने पे इतना भरोसा है। लेकिन यहाँ पे 6x लगा रखा है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बहुत ही क्लोज में था, और गाड़ी तेज़ चल रही थी, अगर आराम से होती तो अलग बात थी। तो यहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक करके इसे पूरा फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि जिससे कि वहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो वापस ना आए। अब क्या होगा अगर मैं इनके एक बंदे को मार दूंगा तो वो वापस नहीं आएंगे, वो सोचेंगे भाई मर गया तो मर गया, अब जाके अपना कैम वैम करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन अगर ये जिंदा रहता ना चिल्लाता रहता और वो ज़रूर आते भाई, और स्नाइपिंग वगैरह करते दिक्कत हो जाती। तो अब वो तो यहाँ पे छुप गए, तो मैं आ चुका हूँ उन्हें मारने, क्योंकि वो तो आने वाले थे नहीं, और ऐसे छोड़ेंगे तो हमें दिक्कत देंगे लास्ट जोन में, तुम्हें पता है स्नेक वगैरह बन गया, क्या पता मार दे मुझे। तो चलो भाई इनको देखते हैं फिर। तो मैं यहाँ पे ऐसे नेड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखना अब क्या होगा। तो मेरे को नहीं पता क्या तो हुआ क्या नहीं, भैया ये बेड पे आके गिर गया बम, अच्छा हो मैंने फुल कुक नहीं किया, नहीं तो सच में गया था मैं कुछ घंटा गेम प्ले बन पाता है, तो हो जाता है कई बार। अब देखो मैंने तो भाई एम लगाया था, तुम खुद देख लो, पता नहीं कैसे तो क्या हुआ एकदम से उसका एम बदल गया। तो मैं थोड़ा मोली भी फेंक देता हूँ उस कमरे में, मेरे को थोड़े फुटस्टेप्स, लेकिन जो उस कमरे में बंदा था भैया वो नीचे कूद के इधर आ चुका है, मेरे पे मतलब रोटेशन मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे हैं, और करते भाई फिर क्लोज उसे। तो मेरे को वो दिख चुका है कि भाई इधर ही है, वो आने की कोशिश कर रहा है, मैं तो हल्की सी DP चलाने की कोशिश करता हूँ। तो खा जाते हैं हम उसे भी, और खा के जाते हैं, नोक कर देता हूँ, और फिर मैं जल्दी से फर्स्ट एड मारता हूँ। गाइज मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, तुम भी मत करना कभी भी, कि थोड़ी हेल्थ बढ़ा लिया करो अगर मौका है तुम पे, ठीक है, क्योंकि ऐसा है भाई एक गोली भी मैटर कर रखती है, अगर तुम्हारी हेल्थ ज़्यादा होगी ना तो 1v1 फाइट में हमेशा जीतोगे, ये भी एक फैक्टर है। और मतलब अगर मौका मिले, अगर चांस हो तो कर लो फर्स्ट एड, ठीक है। तो वो बंदे इसे रिवाइव करने आ रहा है, उसने स्मोक वगैरह फेंकते हैं, तो मार देते हैं उसे जल्दी जल्दी से, मतलब दिक्कत खत्म करो, और अपना और बंदों को ढूंढते हैं, क्योंकि देखो अगर लास्ट जोन में बहुत सारे बंदे हो ना तो मैं तुमने कह रहा हूँ मैं हमेशा हार रहा हूँ, मतलब 10 में से 8 बार मैं हार रही हूँ, अगर 16 वर्सेस स्क्वाड है और लास्ट जोन में ज़्यादा बंदे मैं छोड़ देता हूँ ना, मतलब घर में रश करके नहीं मारता वैसे छोड़ देता हूँ, तो मैं हमेशा मरता हूँ, मतलब क्योंकि यार ज़्यादा बंदे होंगे, कोई इधर से मारे कोई उधर से। तो एक बंदा यहाँ पे सांप बंदा था, और इसको भी खाते हैं फिर हम, तो भाई ये बहुत ही खतरनाक सीन हो जाता मेरे साथ, और इसने मेरी वेस्ट बिगाड़ दी, इसी बात का दुख है मेरे को, और किसी बात का दुख नहीं है। तो बंदा भैया पूरा पोजीशन लेकर बैठा था कि जैसे ही वो आए एकदम मार दूँ, लेकिन अब वो गोली पहले चलाने लगा, फिर चलानी रोकी नहीं उसने, तो और प्रोन होके भी था, तो मेरे को क्या हुआ कि मतलब मेरे पैरों पे लगी गोली, मतलब वेस्ट वगैरह पे एक ही पड़ी थी, और उससे पूरी वेस्ट मतलब ख़राब हो गई, पूरी वेस्ट तो नहीं थोड़ी सी हो गई। तो अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गाड़ी लेके थोड़ा देखने बंदे, तो यहाँ पे थोड़ी सी गोलियाँ चल रही थी, तो मैं इधर आ चुका था, और एक बंदा इधर पड़ा है, ये पता नहीं इसका टीममेट ही था किसी और का टीममेट था, तो कुछ भी हो भाई इसको जल्दी से किल करते हैं हम। अगेन वही बात है भाई, रिवाइव ना हो जाए, मान लो मैं मर भी जाऊँ तो रिवाइव तो ना हो कम से कम यार। तो वहाँ पे मैं ऐसी मोली करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं जाती, लेकिन चलो कोई नहीं ट्राई तो किया। तो गाइज़ अगेन यार कर दिया करो जो भी मन में आए, ठीक है, सोचा मत करो, कर दिया करो, क्या पता यार ये मोली लग जाती, क्या पता ये हो जाता, तो कुछ भी हो सकता है, तो कर दिया करो जो चाहो, ठीक है, सोचा मत करो, जल्दी कर दिया करो जल्दी से। तो अब इस बंदे को भी हम खा जाते हैं DP से, और यहाँ पे मेरे को AWM मिल चुकी है। तो गाइज अब तुम पूछोगे AWM अब क्यों, मेरे को पहले भी स्नाइपर मिली थी मतलब नोवो में, मैंने छोड़ दी थी। तो गाइज इसका यही रीज़न है कि वो अब लास्ट जोन बच रही हैं, और जैसा कि मेरे को गोली चलने के बाद से पता चला है, तो मेरे को पता चल चुका कि ये फुल स्कोर्स नहीं है, स्प्लिट होकर रखी हैं, और यहाँ पर स्नाइपर काम आ जाती है, ठीक है। और क्लोज के लिए मेरे पे है ही अपनी बैरल M762,
तो अब यहाँ पे एक बंदा जो है वो मारने लग रहा है बंदूक को, तो एक ही था, मेरे को नहीं पता था यहाँ पे दो बंदे निकलेंगे, अभी निकल जाएंगे। तो मैं 6x लगा लेता हूँ, 3x कर रखा है, क्योंकि 6x भैया बैरल पे नहीं चलता, बहुत तगड़ा चलता है फुल कर देंगे तो, और क्लोज रेंज में फुल करने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं इसको मार देता हूँ जल्दी से, नॉक कर देता हूँ मतलब। तो इसका एक और बंदा इधर ही है, लेकिन अभी वो सांप वहाँ बन के रखा है, और मैं नहीं चाह रहा कि मैं उसके तरफ जाऊँ और वो आराम से मार के, फिर सोचा कि भाई क्या स्ट्रैटेजी थी मेरी, मैं लेटा था वो आया मैंने मार दिया, देखो कितनी तगड़ी स्ट्रैटेजी। तो ये थोड़ा हो जाता मेरे को नहीं करवाना था ये, तो मैं इसलिए इधर ही रुक गया। और ये बंदा एम के से भाई टप टप करके बहुत बंदे मारे, मतलब मेरे को किल फीड में बहुत बार आ रहा था कि एम के 14 चला रहा है कोई इधर से और पहले जा रहा बस बंदे। तो अब देखो क्या होगा, उस बंदे ने मेरे पर बम फेंकने की कोशिश करी जो उसका टीम मेट है, और तीन अलाइव हैं, तो ये भी मेरे को मारने की कोशिश करेगा। मतलब ऐसा हो जाता है तुम एम करते हो कई बार दिक्कत हो जाती है, और वही हुआ कि उस मतलब वो रिज के बिल्कुल उसकी खोपड़ी दिख रही थी। तो क्या हुआ कि मैं चल रहा था और उसका एम मेरे पर थोड़ा हल्का सा लगा पहले, और जब मैं थोड़ा भाग के उधर आ गया तो नहीं लग पाया उसका इतना, और इतना वो एडजस्ट करता इतना हमने मुड़ के मार दिया। तो गाइस अगेन वही कह रहा हूँ भाई, हिलते रहो, कौन मतलब कभी भी स्टिल मत खड़े रहो यार, बैटल रॉयल है, स्टिल खड़े हुए पट्टे से लगेगा, ठीक है समझ गए होंगे तुम। तो चलो भाई, तो लास्ट बंदे को मैं ढूंढ रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, और मतलब फिर मैंने एडिट करी थोड़ी सी, कट कर दी वीडियो, नहीं तो बोर हो जाते तुम। तो बहुत देर से मैं उसे छान रहा हूँ कहाँ मिले, तो मैं ऐसे ही रैंडम फायर करता हूँ, मुझे लगता है वो उधर है, लेकिन भैया इतना उसे भी चुल मचती है, उसे मेरा पता चल चुका, तो वो भी ऐसे रैंडम फायर करता है और मार देते हैं हम उसे। तो हो चुका है भाई विनर विनर चिकन डिनर। तो वाइज मज़ा आओ तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर कर सकते हो मेरे दोस्तों के, सब्सक्राइब कर लो जो नए बंदे हो। वाइज थैंक यू सो मच यार वीडियो देखने के लिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।